आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रयाग पॉइंट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय यानी कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है, उसके PG, IPS, BEd और LLB के जितने भी LLB, LLM जितने भी सारे इनके एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए थे, इनके सभी रिज़ल्ट जारी हो चुके हैं और आप सभी लोगों के पास इनकी टॉपर लिस्ट भी आ गई होगी। सभी कोर्सेज में जैसे PG में, MA, MSc, MCOM, ये सारे रिज़ल्ट आपके जारी हो चुके हैं। कुछ सब्जेक्ट यानी कुछ कोर्सेज के रिज़ल्ट जो हैं, एक दो रिज़ल्ट अभी बाकी हैं जो कि बहुत जल्दी ही आ जाएंगे। लगभग 67 टोटल इनके जो कोर्सेज हैं उनके रिज़ल्ट जो हैं वो जारी कर दिए जाएंगे बहुत जल्दी ही। तो इसमें बहुत सारे छात्र छात्राओं का डाउट ये रहता है कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, अगर वहाँ पर एडमिशन, मान लीजिए कि जो छात्र छात्राओं का मार्क्स कम है या फिर जितना भी मार्क्स है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में, कट ऑफ क्या होगी, कैसा प्रोसेस होगा, एडमिशन का प्रोसेस कैसा होगा, CMP, AU मेन कैंपस, CMP, ISDC यानी कि ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, ADC यानी इलाहाबाद डिग्री कॉलेज और जितने भी इसके अफिलेटेड कॉलेज हैं उनकी अपडेट, जो भी कट ऑफ है वो क्या होगी, कैसे एडमिशन वहाँ पर होगा, इसके लिए हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको पूरा डिटेल से सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और चीज़ को देखने की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि जैसे कि हम लोग बात करते हैं AU मेन कैंपस के एडमिशन के प्रोसेस के बारे में कि क्या प्रोसीजर होता है। तो आप सभी को पता है, आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, यहाँ एंट्रेंस के थ्रू ही एग्ज़ाम होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम आप लोग दे चुके हैं और उसका रिज़ल्ट भी आ चुका है। अब आपका कितना मार्क्स है, आप सभी लोगों को पता है कि जो भी, जैसे कि हम एक सब्जेक्ट को लेकर के चलते हैं, मान लीजिए कि MSc बॉटनी का या MSc जूलॉजी का जो भी रिज़ल्ट आया है, MSc बॉटनी का लगभग टॉपर 208 है और वहीं जूलॉजी का लगभग 198 के आसपास है मे बी कुछ। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो कट ऑफ है, फर्स्ट जो कट ऑफ है एडमिशन प्रोसेस की, वो इसके नीचे आती है। ठीक है, अगर आपको पिछले साल की कट ऑफ देखना है, देखिए अनुभव यानी कि आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो आप कैसे ले सकते हैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देख करके। तो आप लोग क्या करें कि प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है इसकी वो देख लीजिए। आपको मेरे चैनल पे जाएंगे, आप लोगों को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का PG का जो प्लेलिस्ट बना है वहाँ पर आप लोग देखेंगे, प्रीवियस ईयर के सारे वीडियोज़ वहाँ पर पड़े हुए हैं, सारे कोर्सेज़ के जो भी कट ऑफ आती थी हम लोग बताते थे, तो वहाँ से आप लोग प्रीवियस ईयर की सारी कट ऑफें देख सकते हैं कि कितना लो तक जा सकती है और फर्स्ट कट ऑफ क्या हो सकती है। इसमें सारा आपको इससे एक अनुभव मिल जाता है कि आपको पता चलता है कि हाँ इतनी लगभग हो सकती है। देखिए अभी तक आप कोई भी नहीं बता सकता एग्जैक्ट कट ऑफ कितनी जाएगी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की या किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज की, हम बात करें CMP डिग्री कॉलेज की बात करें, ISDC की बात करें, ADC की बात, किसी भी कॉलेज में जो है कि एग्जैक्ट कट ऑफ आप अभी नहीं बता सकते हैं। बस आप एक अनुभव लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को देख करके। तो आप लोग को अगर प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप लोग सभी लोग देख सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो है कि अभी कट ऑफ जो है AU की यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस की कट ऑफ अभी नहीं जारी हुई है, रिज़ल्ट आ गया है, अब बहुत जल्द ही ये कट ऑफ भी जारी की जाएगी। क्योंकि जो UG के एडमिशन होने से पहले यानी उसके रिज़ल्ट आने से पहले पहले क्या करना चाहता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की PG और IPS, BEd, LLB जितने भी कोर्सेस हैं इनके, उन सभी के एडमिशन से ये छुटकारा पाना चाहते हैं, यानी जल्दी से एडमिशन इनके करवाना चाहता है ताकि फिर जो समय आ रहा है उसमें जो UG के एडमिशन है उस पर ये सारी चीज़ें बीच में ना पड़ें। ठीक है, तो इसलिए बहुत जल्दी जल्दी होगा, तो कट ऑफें भी अब बहुत जल्द ही जारी हो जाएंगी। तो आप सभी लोग अभी से अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको सीधा रखिए, यानी कि आप सभी लोग अपना डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं काउंसलिंग के लिए, वो सब कुछ तैयार करके रखिए ताकि फिर समय आने पर आप लोग तुरंत एडमिशन ले सकें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं डॉक्यूमेंट्स की वजह से उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाए, तो आप लोग क्या पहले से सारे डॉक्यूमेंट्स अपने जो है जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सही से यानी कि आपको तैयार करके रखना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर बता दें कि जिन भी छात्र छात्राओं का AU मेन कैंपस में नहीं भी होता है एडमिशन, पहले तो होप कि जितना भी कट ऑफ जाएगी आप लोग कोशिश करें
करिए कि वहाँ हो जाए। अगर नहीं होता तो आपके पास MSc के लिए, MA के लिए, जितने भी जो भी आप जिस कोर्सेस भी हैं, जिस भी कोर्सेस से हैं, आपके पास CMP है। CMP डिग्री कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट एफिलेटेड कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, तो आप लोग CMP देख सकते हैं। ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज ये भी बहुत ही एक अच्छा एफिलेटेड कॉलेज है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का, यहाँ पे भी आपका एडमिशन मिल जाएंगे। फिर ADC आता है इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, यहाँ पर और भी इसके कई सारे कॉलेज हैं, ठीक है। तो आगे जैसे जैसे कट ऑफ आती हैं, हम लोग इसकी सारी चीज़ें यहाँ डिटेल में देखते रहते हैं कि किस कॉलेज की कितनी कट ऑफ आई है, AU मेन कैंपस की कितनी है, CMP डिग्री कॉलेज की कितनी है, ISDC कितनी है, ADC कितनी है, ये सारी चीज़ें हम लोग आपको डे बाई डे, यानी कि जैसे ही कट ऑफ आती है, नोटिस जारी होती है, आप तक उसको हम लोग वीडियो के माध्यम से बताते हैं और कहते हैं जो भी कैटेगरी वाइज कैंडिडेट के लिए कितनी कट ऑफ क्या है, इतने नंबर से इतने नंबर तक वालों को बुलाया गया है, इस दिन बुलाया गया है, इस कैटेगरी वालों को बुलाया गया, ये सारी अपडेट आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलती रहती है। तो यहाँ पर आपकी यही एक सवाल जो था आपका कि अगर AU मेन कैंपस में नहीं भी होता है तो आपका जो इसके एफिलेटेड कॉलेज हैं यानी CMP डिग्री कॉलेज है, यहाँ पर भी आपको लगातार हमारे चैनल पर इसके वीडियो अपलोड करते हैं, एडमिशन से लेकर के स्टार्टिंग से लेकर के आपके एग्ज़ाम यानी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के सारे वीडियो जो भी न्यूज़ अपडेट आती थी वहाँ से ले तक के आपका जब तक एडमिशन कन्फर्म नहीं हो जाता तब तक आपके साथ रहते हैं और सारे वीडियो आपको देते रहते हैं, ताकि कोई भी स्टूडेंट्स जो भी हमसे जुड़े हैं उनको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए आप सभी लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसका प्रोसीजर यही है कि पहले कट ऑफ जारी होगी, जिस नंबर से लेकर के जिस नंबर तक के स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, जितने मार्क्स से लेकर के जितने मार्क्स तक के स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा उनको कट ऑफ के माध्यम से नोटिस के माध्यम से बुलाया जाएगा। यानी मान लीजिए जैसे MSc बॉटनी की हम लोग बात करें कि 208 टॉप लिस्ट में है, तो मान लीजिए कि अगर इसकी कट ऑफ लास्ट में पहले जो कट ऑफ जाए वो 200 के आसपास रहे या फिर 190 के आसपास रहे, 190 से लेकर के 208 तक जो भी टॉप लिस्ट में है यहाँ तक जा सकती है, तो ये चीज़ें ऐसे बुलाया जाएगा डे बाय डे कैटेगरी वाइज कट ऑफ यहाँ पर जारी होती रहेगी। वहीं अगर हम लोग जनरल की बात करें, OBC की बात करें, तो जनरल OBC की कट ऑफ लगभग सेम, एक दो चार नंबर का फ़र्क रहता है, बाकी सेम रहती है। वहीं SC ST कट ऑफ काफ़ी लो तक जाती है, तो आप लोग एक में नहीं होगा दोबारा, तो ये सारी प्रोसीजर जब कट ऑफ जारी होंगी तब वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन सी कट ऑफ कितने नंबर की कब जारी हो रही। बात बस इतनी सी यहाँ पर कि आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, जैसे ही ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, कट ऑफ आएगी, फिर आपको जितनी कट ऑफ आपका एडमिशन वहाँ से काउंसलिंग हो जाएगी, फिर जो है सारी चीज़ें होने के बाद आपकी फ़ीस पेमेंट वेमेंट सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो काउंसलिंग आपसे ऑफलाइन काउंसलिंग भी एक बार यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, तब आपका जो एडमिशन है वो कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। तो और यही प्रोसेस हर जगह है, सभी में आपको एक बार काउंसलिंग करवाना है, ऑनलाइन भी करवाना है और ऑफलाइन भी बाद में होती है काउंसलिंग इसकी, तो ये काउंसलिंग वाला प्रोसेस जो होगा तब हम लोग बात करेंगे। और यही प्रोसेस हर जगह है, AU मेन कैंपस में भी, CMP में भी, ISDC में भी, ADC में भी और जितने इसके एफिलेटेड कॉलेज हैं सभी में यही जो है कि सब कुछ होता है, यानी यही प्रोसीजर होता है। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कट ऑफ रिज़ल्ट आ गया है, आप सभी लोगों का अपना रिज़ल्ट देख लीजिए और जो भी जिसका भी जो मार्क्स है वो उसमें सही है, ठीक है। तो एडमिशन प्रोसेस का जो है प्रोसीजर वो यही है जो अभी मैंने बताया, और इसके पिछले की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ आपको देखना है, चाहे आप UG के स्टूडेंट्स हों या PG के स्टूडेंट्स हों, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का सारी डे बाय डे की कट ऑफ आपको सारे कॉलेज की CMP ISDC ADC AU मेन कैंपस की कट ऑफें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, तो आप लोग वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में यही आप सभी लोगों को बताना था, हम लोग मिलेंगे जब कट ऑफ आएगी एडमिशन प्रोसेस के लिए, उस कट ऑफ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।